22 वर्षीय लड़की ईरान में जो हिजाब पुलिस ने उसकी जान ले ली। अच्छा। ईरान में औरतें उतरी हैं सड़कों पर, वो सबके सब बीजेपी की एजेंट है। आज अगर इस देश में थोपा जा रहा है हिजाब लड़कियों पर, जहां चॉइस है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, संविधान उन्हें इजाजत देता है रिलीजियस, लेकिन जहां पर थोपा जाता है उनकी आजादी के लिए मैं बिना हिजाब के जी सके। कर्नाटका की लड़कियों के साथ खड़ा हूं जो कह रहे हैं कि हमारा राइट टू चॉइस है, हमारा राइट टू कल्चर है, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ईरान पर चुप। मैं क्यों करूंगा ईरान की बात, वहाँ की लड़कियों की बात। अरे मुझे क्या करना ईरान से, विश्व में कहीं हो अगर लड़कियां कह रही हैं हिजाब दमन का हथियार है वो, तो फिर आप हिजाब जला रहे हैं। अगर अगर यहाँ पर कर्नाटका की बच्चियां स्कूल में पहन के जाए तो क्यों क्यों नहीं खड़े रहेंगे आप? तो भारत के नागरिक है ना, ये कौन सी क्या कहा, अरे ये कौन सी मोहब्बत है कि भारत की बच्चियों से मोहब्बत नहीं है, ईरान की बेटियों से मोहब्बत है? अरे भाई ये भारत की बेटियां हैं जो कल फ्यूचर उनका हो।